उत्तर प्रदेश के कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने विवादित बयान दिया है। हुकुम सिंह मुस्लिम समुदाय को रेप और अपहरण करने वाला बताकर लोगों की भावनाएं भड़काते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। हुकुम सिंह पहले भी कैराना में पलायन का मुद्दा उठाकर चर्चा में आए थे। कुछ लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि नाबालिग बच्ची को उठाते हैं, ले जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं और वो आज अपने होश में भी नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आप अनुमान लगाइए। जब भारतवर्ष में घटना हो सकती है तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल होगा? थोड़ा विचार करो उस बात के ऊपर। अगर इन लोगों के संस्कार ऐसे ही हैं, यही सिखाया जाता है इनको कि तुम्हें करना ही करना ये है। ये हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह। हुकुम सिंह एक रेप केस का मुद्दा उठाकर धर्म विशेष के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हुकुम सिंह के बयान से साफ है कि वो एक घटना के लिए पूरी कौम को जिम्मेदार मान रहे हैं। हुकुम सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बावजूद एक धर्म विशेष के लोग ऐसी वारदात कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इसके बावजूद भी कुछ लोगों में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि नाबालिग बच्ची को उठाते हैं, ले जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं। पिछले दिनों शामली में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर 3 दिनों तक गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। वारदात को अंजाम देने का आरोप मुस्लिम युवकों पर लगा था। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के साथ हुकुम सिंह ने मीटिंग की। मीटिंग में सांसद हुकुम सिंह ने धर्म विशेष को धमकी तक दी। उनके बयान में मुस्लिम समाज का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इशारा उन्हीं की ओर था। लोगों ने ये सोच लिया कि हिंदुस्तान में रहकर, भारतवर्ष में रहकर के भी तुम्हें लाइसेंस मिला हुआ हिंदू लड़कियों को उठाने का, बलात्कार करने का, उनका उत्पीड़न करने का, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल किसी कीमत पर भी। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के इलाके सांप्रदायिक हिंसा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। हुकुम सिंह 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में भी आरोपी रहे हैं और उन्होंने 2013 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी उठाया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।